हाय एवरीवन, आज मैं आया हूँ पिज़्ज़ा जोन में और ये पिज़्ज़ा जोन सूरत के येसु एरिया में आया हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पिज़्ज़ा जोन सूरत के सफल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में है और ये सफल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स काफ़ी फेमस है, प्राइम शॉपर्स के एग्जैक्ट सामने है, तो आपको ये इजीली लोकेशन आपको इजीली मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके अंदर। पिज़्ज़ा जोन है ये, फर्स्ट फ्लोर पर आया हुआ है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे आपको पिज़्ज़ा जोन मिल जाएगा और ये आप देख सकते हो इसका एंट्रेंस। तो आइए चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ पिज़्ज़ा जोन में और पिज़्ज़ा जोन का आउटलेट आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा आउटलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, काफ़ी सारी स्पेस है और यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें अनलिमिटेड खाने को मिल जाएगी। आइए देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें अनलिमिटेड में मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सूप मिल जाएंगे दो टाइप के आपको यहाँ पे सूप मिल जाएंगे। आप देख सकते हो हॉट सलाद में क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, ये आप देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप अनलिमिटेड, आप जितना खाना चाहो उतना खा सकते हो। तो पिज़्ज़ा जोन में तो मैं आया हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा जोन में आपको रोटी सब्जी खानी है तो रोटी सब्जी भी आप खा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये कोल्ड सलाद मिल जाएंगे, वो भी 18 टाइप के, यानी कि 18 टाइप के आपको यहाँ पे कोल सलाद मिल जाएंगे। आप देख सकते हो जितना खाना चाहो उतना खा सकते हो। देखा, मैं पिज़्ज़ा जोन में आया हूँ। पिज़्ज़ा जोन में आप बाबू राव से मिलना चाहो तो बाबू राव से भी मिल सकते हो। तुमको मालूम क्या, ये पिज़्ज़ा जोन वाले सूरत में बेसु के अंदर पिछले 10 साल से रहे बाबा, सेम टेस्ट सेम सर्विस एकदम मजा आ जाता रहे बाबा, बोले तो अनलिमिटेड पूरा 10 साल से चला रहे हैं लोग, बहुत मजा आ रहा है बाबा। इन्हीं दूसरे लोग के जैसा नहीं दे कि कब आए कब चले गए क्या टेस्ट लिया नहीं लिया, लेकिन इधर पिज़्ज़ा जोन में 10 साल से वही टेस्ट, हाँ, और 10 साल से अनलिमिटेड दे दे बाबा, हाँ। देख सकते हो ये है सूरत लाइक के बाबू राव, और आपने सुना कि बाबू राव जी ने क्या क्या बोला कि ये पिज़्ज़ा जोन 10 साल से है और यहाँ पे सबसे अच्छा फूड अभी भी दे रहे हैं 10 साल से। पिज़्ज़ा जोन में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, यहाँ पे आप एक बार आइए, यहाँ पे ट्राई कीजिए, क्वालिटी में यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। क्या बोलते हो बाबू राव? कोल्ड ड्रिंक्स की अगर मैं बात करूँ तो कोल्ड ड्रिंक भी आपको यहाँ पे अनलिमिटेड मिल जाएगी, कोको कोला और मिरिंडा शायद कभी कभी बदल भी सकता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी आपको अनलिमिटेड मिल जाएगी। देख सकते हो अच्छी खासी पब्लिक यहाँ बैठी है, दोपहर का टाइम है, कई सारे लोग पिज़्ज़ा खाने यहाँ पे आ रहे हैं। आपको छोटा सा बैंक्वेट हॉल भी मिल जाता है, तो अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, काफ़ी सारी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद अगर आपको कॉरपोरेट मीटिंग करनी है तो कॉरपोरेट मीटिंग भी आप कर सकते हो। कप्पू भाई को देख सकते हो, कप्पू भाई का पिज़्ज़ा रेडी होने के लिए गया है, काफ़ी टाइम हो गया और कप्पू भाई बैठे बैठे यहाँ पे बोर हो रहे हैं, कभी ऑरेंज ड्रिंक ले रहे हैं तो कभी ब्लैक ड्रिंक ले रहे हैं। क्या कर रहे हो कप्पू भाई? कुछ नहीं, ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अभी राह देख रहा हूँ पिज़्ज़े का। पेट में कुछ हो तो नहीं रहा है ना? कब क्या गुड़गुड़ हो रहा है, गुड़गुड़ हो रहा है, आएगा आएगा पिज़्ज़ा आएगा। कब आएगा? लेकिन तुम उसके ऊपर टूट पड़ना। मिलाता हूँ पिज़्ज़ा जोन के मैनेजर से, उनका नाम क्या है, आपका नाम क्या है सर? सोनू भाई। तो पिज़्ज़ा जोन कितने बजे स्टार्ट हो जाता है सुबह में? सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक ओपन ही रहता है। दोपहर में भी चालू रहता है या दोपहर में बंद हो जाता है? दोपहर में भी चालू रहता है, बंद नहीं रहता। तो आपने सुना ये पिज़्ज़ा जोन दोपहर में भी चालू रहता है, बहुत सारे आउटलेट ऐसे होते हैं जो दोपहर में बंद हो जाते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा जोन दोपहर में भी चालू रहता है। रात को कितने बजे तक चालू रहता है? रात को 11 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हो और पिज़्ज़ा या फिर आपको जो भी अनलिमिटेड आइटम खानी है पिज़्ज़ा से रिलेटेड आप खा सकते हो। अगर कोई पिज़्ज़ा खाने आए तो क्या क्या रेट आपने फिक्स की गई है? 230 लंच का है 5 बजे तक, 5 बजे से 270 रुपये है। तो आपने सुना अगर आप सुबह के टाइम पे आते हो 5 बजे तक तो आपको 230 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप 5 बजे के बाद आते हो तो 270 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मैं भूल गया,
तो यहाँ पर कितनी चीजें खाने को मिल जाती है? 35 आइटम है टोटल, आपको यहाँ पे 35 आइटम खाने को मिल जाएगी। तो आप सोचिए आपको यहाँ पे कितनी सारी चॉइस मिल जाएगी। देख सकते हो बाबू राव जी का पिज्जा आ गया है, अभी मस्त इसको खाएगा बाबा। बाबू राव की स्माइल देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइप की आपको यहाँ पे गार्लिक ब्रेड मिल जाएगी। पिज्जा आप देख सकते हो ये दिखने में काफी बढ़िया लग रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिज्जा जोन में सूरत लाइक की शूटिंग चल रही है। और ये जो यहाँ पे खड़े हैं ये है, आपका नाम क्या है सर? जय मोदी, सूरत लाइक के फाउंडर। ये है जय मोदी, सूरत लाइक के फाउंडर। अगर आपने इनका चेहरा नहीं देखा है तो आज की वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा। बाबू राव जो यहाँ बैठा है ना, बताता हूँ मैं, बाबू राव आप कौन हो? हम लोग हैं सूरत लाइक के जो जय भाई हैं ना, उनके नीचे उनके अंडर में काम करते हैं। बराबर इसीलिए तो पिज्जा खाने को मिल रहा है, तो इसके लिए तो खाने को मिलता है, इसके लिए तो करते हैं। बराबर। एक और नया पिज्जा आ गया है, तीन पिज्जा आप देख सकते हो। सबसे बढ़िया इसमें से कौन सा होगा बाबू राव? मेरे को तो ये वाला पसंद है, चीज ब्रस्ट वाला, चीज ब्रस्ट पिज्जा। अगर आप पिज्जा जोन में आए हो और चीज ब्रस्ट पिज्जा नहीं खाया है तो कुछ नहीं खाया। मैं जितनी भी बार आता हूँ ना चीज ब्रस्ट पिज्जा खाता ही हूँ। तो आप भी याद रखना, अगर आप पिज्जा जोन आओगे तो चीज ब्रस्ट पिज्जा एक बार के लिए जरूर ट्राई करना, और मेरी गारंटी है आपको अच्छा लगेगा। स्टार्ट। अभी कौन सा लाया बाबा? थिन क्रस्ट पिज्जा। थिन क्रस्ट पिज्जा बोले तो चार टाइप का पिज्जा और दो टाइप का गार्लिक ब्रेड रे बाबा। आपका पिज्जा खाना वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आपको लास्ट में एक ब्राउनी विथ आइसक्रीम मिल जाएगी। ब्राउनी विथ आइसक्रीम आपको पर पर्सन एक ही मिलेगी, ये अनलिमिटेड नहीं है। अब करते हैं कस्टमर रिव्यू और देखते हैं कि कस्टमर क्या बोलते हैं। हेलो भैया। हाय सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर। तो आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं यहाँ एक साल से इधर आ रहा हूँ, वीजा है। अच्छा, तो आप यहाँ पे एक हफ्ते में कितने बार आते हो? हफ्ते में वन टाइम हो जाता है मेरा। हफ्ते में एक बार आ जाते हो? यस। इतना अच्छा लगता है आपको यहाँ का पिज्ज़ा? तो आपका यहाँ पे फेवरेट पिज्ज़ा कौन सा? अच्छा, तो ये आपका फेवरेट पिज्जा है। तो आप जो भी अगर ये वीडियो देख के यहाँ पे आता है तो आप उसको कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि आपको ये खाना है या ये यहाँ की सबसे बेस्ट आइटम है? यहाँ की सबसे बेस्ट आइटम और पिज्जा और सेवन चीज और गार्लिक ब्रेड जरूर खाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये आप देख सकते हो मैंने तीन पिज्जा मंगवा लिए हैं, और तीन पिज्जा में से ये वाला जो चीज़ ब्रेस्ट वाला जो पिज़्ज़ा है ये मेरा फेवरेट है। और आप भी अगर यहाँ पे आओगे तो मुझे लगता है चीज़ ब्रेस्ट वाला पिज़्ज़ा आपको काफ़ी पसंद आएगा। था मेरा आज का वीडियो पिज़्ज़ा जोन के बारे में। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है बाबू राव का तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, चैनल का नाम है सूरत लाइक, जो कि आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा।